देश में बढ़ते साइबर क्राइम को कम करने के उद्देश्य से शनिवार को अवस्थी मेमोरियल कमेटी के तत्वाधान में गांधीनगर पब्लिक स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभा किया, जिसका विषय था आधुनिक युग के इंटरनेट की क्या भूमिका है और इसके क्या फायदे या क्या नुकसान हैं। इसी विषय पर बच्चे अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह रहे और विशिष्ट अतिथि रवि कुमार सिंगल रहे। साथ स्कूल की प्रधानाचार्य राशि शर्मा ने बताया कि जो भी बच्चा इस प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करेगा उसको नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्या यूपीपी द्वारा इंटरनेट का उपयोग सही है, इसके विपक्ष में मैं अपने भाव प्रकट करना चाहूंगी। इंटरनेट का रचनात्मक पक्ष मानव समाज के नैतिक एवं बौद्धिक स्तरों से तत्पर बढ़ता जा रहा है, परंतु नकारात्मकता और विकृत मानसिकता के स्तरों पर इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। पत्रकारिता हो या अश्लीलता परोसती साइटें, हर जगह इंटरनेट का दुरुपयोग हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह मंच तर्क का है और मैं तर्क को ही अपना आधार मानकर आप सभी के समक्ष युवा पीढ़ी द्वारा प्रयोग हो रहे इंटरनेट के उचित होने के पक्ष में अपने विचार रखूंगी। वर्तमान युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट ने कुछ ही वर्षों में हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल दिया है। आज इंटरनेट हम सबकी आदत बन चुका है और अगर हम बात करें युवा पीढ़ी की, तो इंटरनेट उनके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। इंटरनेट द्वारा हम कहीं पर भी किसी की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हमें पता चल सकता है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कि गुजरात में क्या हो रहा है, कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को, कि इतनी उम्र के पड़ाव पर आकर जो न कभी हारना जानते हैं न कभी थकना जानते हैं, और एनर्जी का लेवल इनसे मैं विभिन्न समयांतराल पे मिला सदैव वैसे ही नजर आता है। आप कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई है, मैम इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के बीच में आज जो बहुत तेजी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, बच्चों को अपनी लिमिटेशंस का नहीं पता, वो एग्जॉस्टिव इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों से गिर रहे हैं। कई बार ऐसा हो रहा है साइबर क्राइम की वजह से वो ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो क्रिमिनल्स हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में हैं। इसके अलावा उनके समय का भी बहुत लॉस हो रहा है, जो उनके पढ़ने का टाइम है, जो उनके स्कूल का टाइम है, एग्जामिनेशन टाइम है, उस समय भी वो अपनी पढ़ाई को ठीक से नहीं कर पाते। तो इसके दुष्परिणाम को जानने के लिए बच्चों को जाने की ये इंटरनेट किस स्तर तक उनके लिए उपयोगी है, किसके बाद इसका दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह उनका नुकसान हो रहा है, इसी प्रयास में आज ये कार्यक्रम में आगे दिया गया है कि बच्चे इंटरनेट का सदुपयोग करें। हम कितने स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है? करीब 20 स्कूल के बच्चे अब तक आ चुके हैं और बच्चों के आने की संभावना है, जो कि इस टॉपिक के फेवर और अगेंस्ट दोनों में ही अपने विचार हैं। हम क्या प्रतिभाग बच्चे कर रहे हैं तो उनके पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा? उनको कैश अवार्ड दिया जा रहा है यहाँ पर, जो काफ़ी अच्छा कैश अवार्ड है जो अवस्थी मेमोरियल के द्वारा दिया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष मिस्टर उपाध्याय, सचिव मिस्टर विजय गुप्ता जी आज हमारे बीच में हैं। तो बच्चों को कैश अवार्ड देकर बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही बच्चों को मेडल्स भी दिए जाएंगे और खाने के लिए खाने की व्यवस्था भी बच्चों की है वो स्कूल की तरफ से की जा रही है और उनके द्वारा आयोजित किया गया सारा कार्यक्रम। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को नई दिशा देगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।